दोस्तों आज की इस नई वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से कई बार पेमेंट कर चुके हैं और कई बार भेजते भी हैं, ट्रांसफ़र करते ही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पेटीएम के वॉलेट में 100 रुपया पड़े हैं और फ़ोनपे के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वॉलेट से वॉलेट, तो शायद ही आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो है कर पाएंगे। एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भी बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशन चल रहे हैं जिनसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, बिजली बिल रिचार्ज किया जाता है, मोबाइल रिचार्ज किया जाता है, DTH रिचार्ज किया जाता है, टिकट बनाया जाता है, इन सभी एप्लीकेशन वाली कंपनियों को एक नई सर्कुलर जारी किया गया है कि आप जो है एक ऐसा सिस्टम बनाइए, किसी भी कंपनियां के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाए बिना किसी ओल झोल के। तो यह अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह सर्कुलर जारी किया है और ये सब कंपनियां जितने भी मार्केट में बड़े बड़े फ़ोनपे, गूगल पे, ये कंपनियां पेटी बड़े बड़े कंपनियां काम इन पे कर रही है और बीते कुछ महीने के बाद ये आपको नज़र आ जाएगा कि आप किसी भी कंपनी के वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वॉलेट टू वॉलेट, ठीक है। तो इस चीज़ में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है आने वाले समय में। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट था। तो अगर ये अपडेट अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद।